तो मैनपुरी में पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार से आपको बताते ले, और ताजा मामला जो हुआ था, भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा और दैनिक भास्कर के संस्थानों और प्रतिष्ठानों पर आईटी और ईडी की छापेमारी ने भाजपा सरकार के मंशा को स्पष्ट कर दिया है। भाजपा के इस हिटलर शाही रवैये के सभी पत्रकारों ने रोष व्यक्त किया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह का कुठाराघात लोकतंत्र की हत्या बताया गया। इसी के विरोध में मैनपुरी में पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और संगठन इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले अध्यक्ष अजय दीक्षित के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। कि जब इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तो जहां तक है इनकम टैक्स सब आयकर विभाग से जुड़ी हुई होती है, तो आय से अधिक संपत्ति या इससे को लेकर इन्होंने छापेमारी की होगी, लेकिन अब उसमें क्या निकला क्या नहीं निकला ये वर्तमान में अभी जो ना ऐसा इसमें आ रहा है कि जब लगातार समाचार पत्र या न्यूज चैनल जो है लगातार जब समाचार प्रसारित करते हैं प्रकाशित करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की कार्रवाई एकदम तत्काल करना, ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को दर्शाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जौनपुर में महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण करने के दौरान अंधेरा होने पर प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर समस्या सुनते हुए नजर आए। बता दें कि राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्र के साथ निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र पर बिजली नहीं थी। कल देर शाम मंत्री निरीक्षण करने यहां पर पहुंचे थे और इस दौरान आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यागवेंद्र प्रताप सिंह, लवकुश प्रताप सिंह बीजेपी मंडल अध्यक्ष भी इस पूरे मामले का उन्होंने संज्ञान लिया और मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ एटा में आज जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पीड़ित ने बताया है कि नामजद लोग उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे थे। जब पीड़ित द्वारा इसका विरोध किया गया तो एक राय होकर अभियुक्तों ने उन पर धावा बोल दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि पूरा मामला थाना पिलुआ क्षेत्र के अंतर्गत गांव के भदवास का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चले हैं, पत्थरबाजी भी हुई है, जिसमें रवि, अश्विनी और उनकी माँ बिट्टू देवी को चोटें आई हैं। रवि के चचेरे भाई ने बताया है कि उनकी जमीन पर गांव के ही रंजीत, राजवीर और उनके परिजनों ने जबरन कब्जा कर लिया था। कई बार जमीन के पैमाइश लेखपाल द्वारा कराई गई है, बावजूद एक राय होकर सभी अभियुक्तों ने आज उसके परिवार पर हमला बोल दिया, जिससे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले की शिकायत नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित थाने पर कर दी गई। मेरे चाचा के लड़के हैं, ये बाबा का लड़का है, इन्हीं की जमीन है, इन्हीं पे जो पड़ोस के लोग हैं वो ओम प्रकाश है, राजवीर है और प्लस ये महेंद्र सिंह के लड़के हैं, महेंद्र सिंह ओम प्रकाश के लड़के हैं, ये जबरन कब्जा कर रहे हैं। लेखपाल नाप गया, दरोगा जी नाप गए, एक बार कानून को नाप गया और फिर भी ये जबरन कब्जा कर रहे हैं। ये अधमरा कर दिया, मार के अधमरा ही से हालत में ले गया हॉस्पिटल। हमारी तरफ से 3 लोग हाल में, एक ये दो हैं, एक दो तीन थाने में। पुलिस ने शिकायत की है आपने? ये सर पुलिस ने। तो बीती गुरुवार को रात में थाना देवा क्षेत्रागत देवा कुर्सी मार्ग ग्राम बदरुद्दीनपुर के पास ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच हुई टक्कर की सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा पुलिस बल के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों के त्वरित समुचित इलाज हेतु सीएससी देवा और जिला अस्पताल बाराबंकी पुलिस वाहन और एम्बुलेंस के माध्यम भिजवा दिया गया था। उसके बाद पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा स्वयं अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलता की जानकारी ली गई और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। देवा थाना क्षेत्र में सीतापुर के कुछ तीर्थयात्री अपने पूजा के लिए जा रहे थे, ट्राली से बैठे हुए थे, 3 गांव के लोग थे ये लोग, और ये जा रहे थे जिसमें बदरुद्दीनपुर एक गांव है, उसके आगे एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया। उसमें टक्कर में इनकी ट्राली पलट गई, जिसमें सभी लोग घायल हो गए हैं, सभी को सीएससी हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जिसमें अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और बाकी लोग घायल हैं। सभी को सीएससी रिफर कराया गया, सीएससी से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कराया गया। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं